नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भीषण गर्मी के बीच अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। बिहार में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीदारी। आरजेडी ऑफिस के बाहर एसटीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार में इन दो आईएएस समेत 30 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का हुआ स्थानांतरण। आज चेन्नई का सामना मजबूत राजस्थान रॉयल्स से। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कृषि विभाग के 1041 पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक। बिहार कृषि विभाग के द्वारा प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल और आंसू लिपिक सह लिपिक के कुल मिलाकर 1041 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो विभाग ने बिहार कृषि विस्तार एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है, जो कि उम्मीदवार बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बता दें कि इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने के लिए 15 अप्रैल 2023 तक dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भीषण गर्मी के बीच अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही राज्य में गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं बढ़ती गर्मी के बीच राज्य के उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में सूखे की आशंका जताई गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अभी से अलर्ट मोड में आ गई है। बता दें कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत प्रत्यय के द्वारा स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई थी, जिसमें बाढ़ और सूखे से होने वाली बीमारियों को लेकर और उससे लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर अलग अलग गाइडलाइन जारी किया गया था। बता दें गाइडलाइन के तहत सचिव के द्वारा कहा गया है कि इन वजहों से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए अभी से ही प्रभावकारी कदम उठाए जाए, ताकि बीमारियों का प्रसार ना हो और समय रहते उनका समुचित प्रबंधन, उपचार और नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही जल जमाव वाले क्षेत्रों की पहचान करें और उपचार और निरोधात्मक कार्यवाही प्रारंभ करें। बाढ़ पूर्व तैयारियों के आकलन के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करें और पेयजल की आपूर्ति के स्रोतों की पहचान करें। पानी शुद्ध करने के ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। डायरिया से बचाव के लिए ORS और एंटी डायरियल दवाओं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रखें। इसके अतिरिक्त चिकित्सक दलों के गठन, दवाओं की उपलब्धता, सर्पदंश बचाव के लिए SSVS की उपलब्धता, नौका अस्पताल, अस्थायी अस्पताल आदि की व्यवस्था करने के निर्देश भी गाइडलाइन में दिए गए हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे उल्का गुप्ता के बारे में। उल्का गुप्ता का जन्म आज ही के दिन 1997 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी और तेलुगु फिल्मों और टेलीविजन में काम करती हैं। बता दें कि उल्का गुप्ता को उनके लोकप्रिय रूप से मनु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने GTV के एक सोप में झांसी की रानी में छलांग लगाने तक मनु युवा रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई थी। बाद में उसने उसी शो में काली के रूप में फिर से प्रवेश किया। उनकी पहली फिल्म टॉलीवुड फिल्म आंध्र पोरी थी, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार प्रशांति का किरदार निभाया था। गुप्ता 2015 के तेलुगु फिल्म रुद्रमा देवी में भी दिखाई दी है। बता दें कि इन्हें 2010 में झांसी की रानी में सर्वाधिक लोकप्रिय बाल कलाकार के रूप में इंडियन टेली अवार्ड्स, झांसी की रानी में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में जी गोल्ड अवार्ड्स, झांसी की रानी के लिए ITA पुरस्कार और झांसी की रानी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इंडियन टेली अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में कामगारों के लिए बनी समिति में ये होंगे सदस्य। राज्य के निबंधित कल कारखानों में काम करने वाले 2 लाख से अधिक कामगारों को सुरक्षा मिल सके और उनके हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से एक विशेष कार्य समिति बनाई गई है। बता दें कि इसके लिए विभाग की ओर से कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है और अब जल्द ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस समिति का गठन राज्य में अगले माह तक के लिए किया जाएगा, जिसमें प्रबंधन की ओर से वैसे पदाधिकारी को शामिल किया जाएगा जो निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसके अलावा इस समिति के सदस्य के रूप में एक चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, उत्पादन, खरीद और अनुरक्षण विभाग के भी एक एक अधिकारी को शामिल किया जाएगा। बता दें कि समिति का काम सभी कामगारों के बीच सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाना भी होगा। बिहार में इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीदारी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विवेक कुमार के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार में गेहूं की सरकारी खरीद की शुरुआत वर्ष 2023-24 के लिए 20 अप्रैल से होने वाली है, जो कि 31 मई तक चलेगी। बता दें कि इस वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए सरकार की ओर से 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरकार की ओर से गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मालूम हो कि अगर हम पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 में गेहूं के समर्थन
समर्थन मूल्य की बात करें तो उस दौरान समर्थन मूल्य 2115 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। इस तरह पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के समर्थन मूल्य में सरकार की ओर से 10 रुपए का इजाफा किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गेहूं खरीदने के 48 घंटे के अंदर किसानों को PFMS के माध्यम से पैसे दिए जाएंगे। RJD ऑफिस के बाहर STET अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को लेकर असंतुष्ट शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बीते दिन RJD कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। दरअसल बीते सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में शिक्षक नियमावली 2023 पर नीतीश मंत्रिमंडल की ओर से मुहर लगा दी गई थी, लेकिन मुहर लगाए जाने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा यह बयान दिया गया कि अब नियमावली में नियोजित शिक्षकों के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अब बिहार में सीधे नियमित बहाली होगी, जिसके अंतर्गत शिक्षकों को नियमित वेतन, भत्ते और सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन नियमित शिक्षक बनने के लिए अब शिक्षक अभ्यर्थियों को BPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को पास करना होगा। मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए कथित हिंसा को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार मनीष कश्यप को अभी भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के द्वारा जारी की गई याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप के खिलाफ कठोर कार्रवाई को रोकने से साफ इनकार कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट के द्वारा दोनों राज्यों में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज केस को क्लब करने के मामले में बिहार और तमिलनाडु पुलिस को नोटिस जारी किया है। बता दें कि अब मनीष कश्यप के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई 21 अप्रैल को की जाएगी। मालूम हो कि मनीष कश्यप को जब 3 अप्रैल को मदुरई कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट के द्वारा उन्हें 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद वे 19 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में हैं। इस दिन होगा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एग्जाम के प्रायोगिक विषय के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे परीक्षार्थी बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर परीक्षा की तारीख की बात करें तो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा की शुरुआत 20 अप्रैल को होने वाली है, जो 22 अप्रैल तक चलेगी। बता दें कि शिक्षण संस्थानों के प्रधान प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ उन्हें उपलब्ध कराएंगे। मालूम हो कि थ्योरी विषयों की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अलग से जारी किए जाएंगे। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे दरभंगा का किला के बारे में। दरभंगा का किला दरभंगा जिले का एक मुख्य ऐतिहासिक स्थल है। दरभंगा के किले को रामबाग किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। इस किले परिसर में आपको सुंदर झील देखने के लिए मिलती है। किले में आपको बड़ी बड़ी दीवारें, दरवाजे, बुर्ज देखने के लिए मिलते हैं। इस किले के अंदर एक बाग है, जिसे रामबाग कहा जाता है। किले के अंदर कंकाली देवी का मंदिर भी है। किले का निर्माण अधूरा है। यहाँ पर सिर्फ आपको दीवारें, बुर्ज, दरवाजा देखने के लिए मिलती है। किले के अंदर रहवासी लोगों की बस्तियां बन गई है। यह किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। किले की दीवार इस किले को घेरे हुए है। इस किले में प्रवेश के लिए जो दरवाजा है वह बहुत ही भव्य है। इस किले का निर्माण दरभंगा के महाराजा कमलेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। इस किले का निर्माण 1934 में करवाया गया था। किले का निर्माण लाल ईंटों से किया गया है। किले की दीवारें बहुत मोटी मोटी हैं और किले में वॉच टावर बने हुए हैं। आप इस किले को आकर देख सकते हैं। बिहार में 2 IAS समेत SDO और 30 DSP रैंक के अधिकारियों का हुआ स्थानांतरण। बिहार में 30 DSP रैंक के अधिकारियों, कई SDO और 2 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण नीतीश सरकार द्वारा कर दिया गया है। बता दें कि 2 IAS अधिकारियों को अनुमंडल स्तर पर SDO के रूप में जिम्मेदारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना को भी जारी कर दिया गया है। स्थानांतरित हुए इन 2 IAS अधिकारियों में डेहरी ऑन सोन के अनुमंडल पदाधिकारी चंदिमा अत्री को दरभंगा का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है, वहीं गुंजन सिंह को पटना सिटी का नया अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। जल्दी पटना से रांची के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार से रांची जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बहुत जल्द ही बिहार की राजधानी पटना से रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस ट्रेन की शुरुआत 25 अप्रैल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर कर दी जाएगी। इसके साथ ही इस ट्रेन के परिचालन से गया वासियों को काफी सुविधा मिलेगी। मालूम हो कि इस ट्रेन को 7 और स्टेशनों पर ठहराव होगा, जिनमें पटना के अलावा गया और जहानाबाद भी शामिल है। वहीं अगर इस ट्रेन के समय की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के
राजधानी पटना से सुबह 6:45 बजे खुलेगी, जो 1:45 बजे हटिया पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन दोपहर 2:30 बजे हटिया से खुलेगी, जो रात 9 बजे तक पटना पहुंचेगी। बताया गया कि इस ट्रेन की शुरुआत होने से पटना से रांची जाने वालों को काफी कम समय लगेगा। अगर ट्रेन में हो जाए तबीयत खराब तो ऐसे पाए इलाज। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन के सफर के दौरान हमारी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, जिससे हम इस परेशानी में पड़ जाते हैं कि चलती ट्रेन में हमें चिकित्सा मुहैया कैसे होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ट्रेन में हमेशा एक डॉक्टर मौजूद होता है, जिससे आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ मामूली स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। मालूम हो कि अगर आप चलती ट्रेन में डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं तो आपको रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 138 पर या 9794834924 पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप तुरंत ट्रेन के मैनेजर या TTE को तुरंत इस बारे में बता दें। इसके अलावा आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्विटर पर IRCTC को टैग करते हुए अपनी PNR और बाकी डिटेल्स फिल कर अपनी तबीयत की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही नए ट्रेनों में मेडिकल बॉक्स की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें 58 तरह की दवाइयां समेत कई चीजें पैसेंजर के लिए मुहैया कराई गई है। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि ट्रेन में डॉक्टर को बुलाने पर आपको 5 गुना महंगी फी देनी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रेन में डॉक्टरों की फीस को बढ़ा दिया गया है। अप्रैल में झुलसाएगी तपती गर्मी के साथ पछुआ हवा। अप्रैल का महीना अभी आधा भी नहीं गुजरा है और गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बढ़ते तापमान के साथ गर्म पछुआ हवा से लोग झुलस रहे हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश में पछुआ हवा की गति और बढ़ेगी। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक सती हवा का प्रवाह 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा व प्रदेश के कुछ स्थानों पर झोंकों के साथ 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र गांगेय पश्चिम बंगाल व इसके आसपास बना हुआ है। इनके प्रभाव से प्रदेश में अगले 4 दिनों तक तेज हवा का प्रवाह बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री वृद्धि के आसार हैं। अनुसूचित जनजाति बालिका स्कूल की दयनीय हालत पर इस दिन होगी सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य के पश्चिम चंपारण स्थित हाना टांड में अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के एकमात्र स्कूल की दयनीय हालत पर बिहार आदिवासी अधिकार फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। बता दें कि इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब किया गया था, जिसमें कोर्ट के द्वारा बालसा से पूछा गया था कि कितने बच्चों ने स्कूलों की पढ़ाई छोड़ दी है और कितने बच्चों ने दोबारा स्कूलों में जाना शुरू किया है। इसके साथ ही कोर्ट यह भी जानने की कोशिश कर रही थी कि इन बच्चों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। बिहार कृषि विवि के दीक्षांत समारोह में बिहार राज्यपाल हुए शामिल। बीते दिन बिहार के भागलपुर के सबौर में स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर की अध्यक्षता में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से उद्यान उपनिदेशक शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चिंपू भी मौजूद रहे। मालूम हो कि बीते दिन हुए इस दीक्षांत समारोह का विषय जल जीवन हरियाली रखा गया था, जिसकी शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भागलपुर पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनका बैंड से स्वागत भी किया गया और फिर मंच पर भव्य मखाना का माला पहनाकर स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल के हाथों 980 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल के हाथों 980 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई, वहीं 12 छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिया गया और अनुकंपा के आधार पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री के द्वारा कुल 14 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। राज्य में अभियोजन के निदेशक और उप निदेशक की नियुक्ति पर पटना हाई कोर्ट का निर्णय। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ के द्वारा राज्य में अभियोजन के निदेशक और उपनिदेशक की नियुक्ति को लेकर सुशील कुमार चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम निर्णय लिया गया है। बता दें कोर्ट के द्वारा 2003 के बिहार विभाजन मैनुअल के रूल 5 में 2016 में लिए गए राज्य सरकार के संशोधन को रद्द करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य में अभियोजन के निदेशक और उपनिदेशक के पदों पर वे ही नियुक्त हो सकेंगे जिन्होंने 10 या उससे अधिक वर्षों तक की कानूनी प्रैक्टिस की हो। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया है कि वे संघीय कानून अनुरूप रूल का निर्माण करें।
जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव से घंटों चली पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर एक तरफ जहां ईडी के द्वारा पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद निशा भारती से पूछताछ की गई, तो वहीं दूसरी ओर इसी मामले को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी ईडी के द्वारा 9 से 10 घंटे तक पूछताछ की गई। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार तेजस्वी यादव बीते दिन करीब 10:45 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जहां देर शाम तक उनसे पूछताछ की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। इस दौरान उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा भी था कि यह सब तो चलता रहेगा, हम बस नियम का पालन कर रहे हैं। मालूम हो कि चल रही खबरों के अनुसार ईडी के द्वारा सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के आपराधिक धाराओं के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव से ईडी के द्वारा पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया। टीटी अभ्यर्थियों के समर्थन में सामने आए सम्राट चौधरी। नई शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगाए जाने के बाद बिहार में एक तरफ जहां सरकार के प्रति शिक्षक अभ्यर्थियों की नाराजगी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। बता दें कि अब इस कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थियों के समर्थन में सामने आते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा 80,402 टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थियों को पक्की नौकरी देने की गारंटी दी गई थी, तो शिक्षा मंत्री के द्वारा किए गए उन वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में जो सरकार स्थापित है वह कब पलटी मारेगी वह कोई नहीं जानता। सरकार को परीक्षा में पास कर चुके अभ्यर्थियों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि पुराने लोग जो बहाल हुए हैं उनकी चिंता कौन करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सम्राट चौधरी ने बीते दिन यह सभी बातें बीजेपी कार्यालय में ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर आयोजित किए गए मिलन समारोह में कहा। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम को फिर से शुरू करने को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। बता दें कि अपने इस दौरे के दौरान वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत कई विपक्षी नेताओं से भेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही वह राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर जो हालात बने हैं उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। मालूम हो कि नीतीश कुमार के इस दौरे को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव और विपक्षी एकता को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला तब लिया था जब उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कॉल पर बात हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी सीएम नीतीश ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन उस दौरान उनका यह मुलाकात केवल मुलाकात बनकर रह गया। अब देखना यह होगा कि इस बार की मुलाकात विपक्षी एकता के लिए कितना खास साबित होती है। जिले से बाहर आते ही आनंद मोहन ने सीएम नीतीश से कही ये बात। डीएम हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद की शादी को लेकर 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं, लेकिन जेल से बाहर आते ही उनका दर्द छलकता दिख रहा है। दरअसल आनंद मोहन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह अपने बेटे की शादी को लेकर जेल से बाहर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने जेल से बाहर आने को लेकर सीएम नीतीश से अपील करते हुए कहा कि अब सब सरकार के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद का 16 अप्रैल को जनेऊ, 24 अप्रैल को सगाई और 3 मई को देहरादून में शादी होने वाली है। बता दें कि इससे पहले भी वह 2 बार अपनी बेटी की शादी और सगाई के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। आज चेन्नई का सामना मजबूत राजस्थान रॉयल्स से। आज चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों ही टीम अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस को हराकर आ रही है, जबकि राजस्थान की टीम दिल्ली कैपिटल्स को मात देकर आ रही है। इसलिए दोनों टीमों के हौसले बुलंद होंगे और इसलिए एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों ही टीम शानदार फॉर्म में है, फिर चाहे वो बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी। चेन्नई बनाम राजस्थान हेड टू हेड देखे तो चेन्नई का ही पलड़ा भारी है। दोनों टीमों ने अब तक 26 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 15 में चेन्नई ने जीत दर्ज की है, तो वहीं 11 में राजस्थान की जीत मिली है। मैच चेन्नई में है तो चेन्नई को होम एडवांटेज भी मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर एक कांटे की टक्कर देखने को मिलने के आसार हैं। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि फोन पर आप जियो सिनेमा ऐप पर मैच का आनंद उठा सकेंगे। भारत के
के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। सिख गुरु तेग बहादुर का 1621 में जन्म हुआ। रणजीत सिंह ने 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया। भारतीय रेलवे के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1978 में देश की पहली डबल डेकर ट्रेन सिंहगढ़ एक्सप्रेस बॉम्बे का विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे तक चलाई गई। सन 1991 में खाड़ी युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हुआ। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में 1992 में विशाल काय बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई। लुधियाना पंजाब के गुरु नानक देव स्टेडियम में 2010 में भारतीय कबड्डी टीम ने पाकिस्तान की टीम को 58-24 से पराजित कर प्रथम विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता जीत ली। मशहूर गीतकार गुलजार को 2014 में वर्ष 2013 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। मोहन जोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखल दास बनर्जी का 1885 में जन्म हुआ। भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक वीनू मांकड़ का 1917 में जन्म हुआ। भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार केदार शर्मा का 1910 में जन्म हुआ। बारखंड में आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि समारोह पार्टी में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। 1098 एक चाइल्ड हेल्पलाइन आपातकालीन फोन सेवा है जो संकट में बच्चों को सहायता प्रदान करती है। यह सेवा भोजन इकट्ठा वितरित करने के लिए नहीं है। जीमेल पर स्पैम ईमेल्स को ऐसे करे ब्लॉक। टेक कंपनी गूगल की फ्री ईमेल सर्विस जीमेल के इनबॉक्स में कई स्पैम ईमेल्स आते हैं जिससे हमें काफी परेशानी होती है। ऐसे में अगर आप भी जीमेल का इस्तेमाल करते हैं और स्पैम ईमेल को काम के बीच में एक परेशानी समझते हैं तो आज हम आपको जीमेल ऐप को इनबॉक्स स्पैम की फ्री ईमेल बनाने की ट्रिक शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जीमेल ऐप को ओपन करना होगा। यहाँ सारे स्पैम ईमेल को सेलेक्ट करना होगा जिन्हें अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं। यहाँ आई आइकन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद रिपोर्ट स्पैम या रिपोर्ट स्पैम एंड अनसब्सक्राइब को चुन सकते हैं। रिपोर्ट स्पैम एंड अनसब्सक्राइब को चुनते हैं तो दोबारा इस तरह के ईमेल से छुटकारा पा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऐसे रहे सतर्क। बिहार में इन दिनों लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में पटना एम्स के निदेशक जीके पाल के द्वारा सलाह देते हुए बताया गया है कि कोविड का नया वेरिएंट ज्यादा प्रभावी तो नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए हमें ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना है और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना है। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि कोरोना से निपटने के लिए पटना एम्स में एहतियात के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब तक पटना एम्स में कोरोना मरीजों के लिए कुल 30 बेडों का वार्ड तैयार किया गया है क्योंकि मरीज के बढ़ने पर बेड की संख्या 300 तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही एम्स कर्मियों को कोरोना से निपटने के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सनी सहनी, राजकुमार पाल, राहुल कुमार, सोदा रॉय, कुश कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, सैलजा कुशवाहा, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, विनायक, विकास दास, सुनील कुमार चौरसिया, रोहित कुमार सिंह, सूरज कुमार, मंटू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप खुद को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।